हमारी आज की रेसिपी है पटना से, जिसका नाम है खाजा। हाँ जी, ये एक स्वीट डिश है जो कि पटना में काफ़ी फेमस है। तो चलिए आज हम इसे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में एक कटोरी मैदा ले लिया है। अब हम उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 बड़े चम्मच। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। सो गाइस, मैंने इसे बहुत अच्छे से मिला लिया है, तकरीबन 2 मिनट तक। अब हम इसमें पानी डाल के इसको हार्ड हार्ड सा गूंद लेते हैं। आटा गूंद गया है, अब हम तब तक अपनी कढ़ाई को गर्म कर देते हैं। फ्लेम कर दिया है ऑन, और जब तक हमारी ये कढ़ाई गर्म हो रही है, हम इसके छोटे छोटे रोटी के जितने गोले बना लेते हैं। इसके 4 गोले बन गए हैं और हमारा कढ़ाई भी गर्म हो गया है। अब इस कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। और इस कटोरी में बेसन है, इसमें भी हम रिफाइंड ऑयल डाल के इसका एक थिक सा बैटर बना लेते हैं। बेसन और ऑयल को मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से, इसका एक थिक सा बैटर सा बन गया है। देख सकते होंगे आप कितना कैसा है, सेम ऐसा ही बनाना है। इसका क्या यूज़ होता है ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो चलिए तब तक हम इस एक गोले को बेल लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे इतना बड़ा बेल लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा पतला है। अब जो ये मिश्रण था हमारा बेसन का, वो हम इसमें पूरा स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए, मैंने इस मिक्सचर को काफ़ी अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, पूरे उसमें फैला दिया है। अब इसको हम रोल कर लेते हैं। देखिए, इसको हम ऐसे रोल कर रहे हैं, इसको पूरा ऐसे ही रोल करते जाना है हमने। मैंने इसे पूरा रोल कर दिया है, 1 इंच में हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसे इतना बड़ा कट कर लिया है, इसके 4 पीस हो गए हैं। अब हम इसे बेल लेते हैं। इसको हम ऐसे रख के सीधे सीधे बेलेंगे और देखते हैं फिर इसका शेप कैसा बनता है। देखिए, मैंने एक बार बेलन चलाया और इसका शेप कुछ ऐसा हो गया है। अब हम इसको ऐसे बेलेंगे ऊपर की साइड में, ऊपर जिधर की साइड वो नाइफ रखा है, हम उधर की साइड बेलेंगे इसको। देखिए, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो रखा है, इसको अब हम अपने ऑयल में डाल देते हैं। सो गाइस, मैंने इसको इसमें डाल दिया है, अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। इसको अच्छा सा क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेते हैं। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये देखिए आप इसके लेयर देख रहे हैं। जो हमने जो मिश्रण डाला था बेसन का, वो इसीलिए डाला था क्योंकि इससे ये चिपकेगा नहीं और ये अंदर तक अच्छे से सेक जाएगा और इसके काफ़ी सारे लेयर्स बने होंगे। तो चलिए, ये फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। ये फ्राई हो चुके हैं। आपको याद होगा मैंने एक रेसिपी में भूरा बनाया था, वो भूरा हम इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो गाइस, रेडी है हमारा खाजा। आप चाहें तो इस खाजे को शुगर सिरप में भी डिप कर सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसके ऊपर भूरा डाला है, क्योंकि इससे ये ज़्यादा मीठा नहीं बनेगा। अगर आप ज़्यादा ही मीठा खाना चाहते हैं तो उसको शुगर सिरप में डिप कर सकते हैं। होप गाइस, आपको मेरी ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी। सो थैंक यू गाइज़।